हाई एवरी वन वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन दिस इजम की एन टी एनेट पेपर वन में, में टीचिंग एप्टीट्यूड के पूछे गए सभी क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी दो हजार बीस और इक्कीस के सेशन में पूछे गए थे आज के इस वीडियो लेक्चर की सबसे खास बात यह है कि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के, के साथ साथ मैं आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी दूंगी एंड उसके साथ ही स्मार्ट एंड शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगी जिसकी मदद से आप लोग बहुत इजीली टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो एंड उसके साथ ही स्टूडेंट्स में कुछ की की मदद से कैसे हम कम समय में करेक्ट आंसर आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये सारी चीजें इस वीडियो लेक्चर में बताने वाली हूँ तो इसको जरूर एंड तक देखिएगा ये डेफिनेटली आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा क्वेश्चंस so पर जाने से पहले आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यूजीसी नेट पेपर वन जो कि सभी स्टूडेंट्स के लिए कॉमन पेपर होता है एंड ये वो पेपर है जिसमें कि हम लोग इजीली जे ले सकते हैं सो पेपर वन की तैयारी के लिए हमने एक न्यू एंड फ्रेश बैच लॉन्च किया है जो की फिफ्टीन दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है इस बैच की खास बात यह है कि इसमें हम आपको हंड्रेड परसेंट सिलेक्शन की गारंटी देते हैं एग्जाम से पहले पेपर वन का फुल सिलेबस हम लाइव लेक्चर्स की मदद से आपको पूरा करवाएंगे एंड उसके साथ ही एक से दो बार फुल सिलेबस रिवीजन की भी हम गारंटी देते हैं सो so आप लोग चाहे इंग्लिश मीडियम में पेपर वन की तैयारी कर रहे हो या फिर हिंदी मीडियम में देने वाले हो आपको दोनों ही लैंग्वेजेस में सेपरेट लेक्चर्स यहाँ पे मिलने वाले हैं

टॉपिक है कोई भी यूनिट है आप लोगों को सभी क्वेश्चन इस क्वेश्चन बैंक के अंदर मिल जाएंगे जो कि आपकी फाइनल रिविजन में भी बहुत मदद करते हैं तो so, इस न्यू बैच को ज्वाइन करने के लिए किसी भी एक नंबर पर आपको व्हाट्सएप की मदद से कांटेक्ट करना होगा एंड इसके लिए आपको सिर्फ एक ही बार फीस पे करनी है वो भी सिर्फ और सिर्फ फोर्टी फाइव हंड्रेड रुपीज एंड स्टूडेंट्स अगर आप चाहो तो इंस्टॉलमेंट्स में भी ये फीस पे कर सकते हो फीस पे करने से पहले बहुत से स्टूडेंट्स डेमो लेक्चर और डेमो वीडियोस देखना चाहते हैं उसके लिए आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कि है ग्लोबल ऑनलाइन ऐप का फ्री में से आपको डाउनलोड कीजिए देन आपको जाना है स्टोर सेक्शन पर जिसमें सर्च बार होगा यहाँ पे आपको लिखना है यूजी नेट ट्वेंटी पेपर वन कंप्लीट कोर्स का ऑवर भी आपके सामने आ जाएगा जो कि ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ देन आपको जाना है कंटेंट सेक्शन पर एंड यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हो यूनिट वाइज सेपरेट फोल्डर्स आपके सामने हैं सो so, जिस भी यूनिट के डेमो डेमोलेक्चर आप देखना चाहते हो बायलिंगुअल देखना चाहते हो हिंदी मीडियम में या फिर इंग्लिश मीडियम में किसी भी लैंग्वेज में देखना चाहते हो आपको यहाँ पे सारा कंटेंट हम प्रोवाइड कराते हैं सो so, इसी के साथ स्टूडेंट्स जरूर इस कोर्स को ज्वाइन करके आप अपना सिलेक्शन गारंटेड करवा सकते हो यूजीसी नेट एग्जाम में सो so, इसी के साथ आप बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर तो पहला क्वेश्चन होता है इन विच लेवल ऑफ टीचिंग टीचर्स रोल इज मोर एक्टिव Than being अब देखो स्टूडेंट्स आप लोगों को ये जो टीचिंग के लेवल्स होते हैं मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है कि लेवल्स ऑफ टीचिंग आर वेरी इंपॉर्टेंट इसमें बेसिकली थ्री लेवल्स होते हैं मेमोरी लेवल अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल ओके क्वेश्चन में पूछा गया है कि टीचिंग का वो कौन सा लेवल है जिसमें कि एक टीचर का रोल एक टीचर को बहुत ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करना होता है स्टूडेंट्स के साथ रादर देन बीइंग इंटरेक्टिव यानी कि फालतू बातें वो स्टूडेंट्स के साथ ना करे एक्स्ट्रा इंटरेक्शन वो स्टूडेंट्स के साथ ना करे वो चलेगा बट उनको एक्टिव रहना है वहां पे ठीक है सो ये कौन से लेवल में होता है टीचिंग के सो so, यहाँ पे करेक्ट आंसर है मेमोरी लेवल मेमोरी लेवल क्यों होता है देखो मेमोरी लेवल जो है ये एक स्मॉलेस्ट लेवल होता है एंड हाईएस्ट लेवल होता है रिफ्लेक्टिव लेवल पहले तो आप लोग इस चीज को नोट कर लीजिए अब स्मॉलेस्ट लेवल में आते हैं हमारे पास छोटे बच्चे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करते हैं कि मैं नर्सरी क्लास में पढ़ाती हूँ ओके, सो नर्सरी क्लास के जो टीचर्स होते हैं उन लोगों को स्टूडेंट्स के साथ बच्चों के साथ ज्यादा इंटरेक्शन की जरूरत नहीं होती उन लोगों को बस टीचर्स को उन स्टूडेंट्स के साथ एक्टिवली पार्टिसिपेट करना होता है ठीक है so सो ये आता है मेमोरी लेवल पे छोटे बच्चों के लिए हमेशा एक टीचर को एक्टिव होना चाहिए सेकेंड लेवल आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल जिसमें कि मेमोरी लेवल में हम कोई भी चीज उस बच्चे को पढ़ा रहे हैं उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को समझा रहे हैं उस चीज की वो कैसे समझ रखता है इसमें एक एक इस मैंने बताया नर्सरी क्लास के बच्चे ये स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको एक गाने की तरह याद करवाया जाता है इन स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि ए फॉर एप्पल है तो एप्पल एग्जैक्टली exactly क्या है इसका क्या यूज होता है राइट right? सो so, इन लोगों को एक गाने की तरह एक रट्टा मरवाया जाता है मेमोरी लेवल को हमेशा रोट लर्निंग भी बोलते हैं ठीक है उसके बाद बड़ा लेवल आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल लेवल इस level में स्टूडेंट समझने लग जाते हैं कि ए फॉर एप्पल होता है एप्पल कैसा दिखता है एप्पल का कलर क्या होता है इसका क्या यूज होता है सिमिलरली वो इस तरह से चीजों को समझने लगते हैं नेक्स्ट होता है रिफ्लेक्टिव लेवल रिफ्लेक्टिव लेवल क्या करता है अंडरस्टैंडिंग लेवल में एंड मेमोरी लेवल में जो भी किसी स्टूडेंट ने नॉलेज गेन किया उस चीज को वो अपने रियल लाइफ एग्जाम्पल में सॉरी उसको अपने रियल लाइफ में या फिर उसको अपना जो डे टू डे रूटीन है उसमें कैसे यूज करते हैं वो होता है रिफ्लेक्टिव लेवल तो इसीलिए इसको हाईएस्ट लेवल बोला जाता है तो अगर हम लोग मेमोरी लेवल पे एक टीचर थोड़ा सा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं तो स्टूडेंट्स का मेमोरी लेवल के कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं सो so दैट वो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे अच्छे से परफॉर्म कर सके ओके सो आई होप ये फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन इज पे दो स्टेटमेंट्स गिवन है हमें बताना है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट बोलती है इंटरैक्टिव एंड मल्टीमीडिया सिस्टम्स प्रोवाइड फॉर न्यू कल्चर ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग सो मल्टीमीडिया सिस्टम्स क्या होते हैं हम लोग अगर ये मानकर चले कि टीचिंग और लर्निंग में अब आपको पता है कि ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग भी है जो कि आप लोग अभी सुन रहे हो है ना इसके अलावा और भी तरह की टीचिंग लर्निंग हमारे पास होती है ओके सो सेकंड स्टेटमेंट में बोला गया है

सिमिलरली सेकेंड स्टेटमेंट में बोला गया है कि जो वर्चुअल क्लासरूम्स होते हैं जैसा कि अभी आप मुझे सुन पा रहे हो ये जो है ये एक वर्चुअल क्लासरूम है कि एक स्टूडेंट किसी और लोकेशन पे बैठा हुआ है एंड एक टीचर किसी और लोकेशन पे बैठ के क्या कर रहे हैं बातचीत कर रहे हैं है ना यहाँ पे क्लासरूम एक चल रहा है लेकिन दोनों ही अलग अलग लोकेशन पे है ये होता है वर्चुअल क्लासरूम इसमें ये बोला गया है कि इन्होंने स्टूडेंट्स को एक सेंसलेस ह्यूमेड बना दिया है ठीक है यानी कि बिना दिमाग के हम बोल सकते हैं एक पर्सन बना दिया जिसमें स्टूडेंट ना कहीं जाना चाहते बस वो घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं घर पे ही सब कुछ रह रहा है ये यहाँ पे बोला गया है सो आपको बताना है कि दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है तो राइट आंसर है हमारे पास कि स्टेटमेंट वन बिल्कुल करेक्ट है कि इंटरेक्टिव और मल्टीमीडिया सिस्टम जो है ये हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को एक नया कल्चर दे रहे हैं स्टेटमेंट बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है क्योंकि वर्चुअल क्लास से बहुत से बेनिफिट होते हैं अब जैसे आप लोग ही हो आप लोग ऑनलाइन कोचिंग हमसे ले रहे हो यूजीसी की तैयारी हम लोगों से कर रहे हो राइट सो यहाँ पे आप लोग खुद भी देख सकते हो कि ये कितना बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द दिंग एक्सप्लेन वैल्यूज सो वैल्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है तो जब भी टीचिंग लर्निंग की हम बात करते हैं एक टीचर सिखा रहे हैं स्टूडेंट उस चीज को सीख रहे हैं ओके okay, सो तो उस समय पे वैल्यूज का क्या रोल होता है ठीक है यानी कि मूल्यों का क्या रोल होता है वैल्यूज आर बिलीव टाइज inextricably to human emotion and behavior यानी कि जो भी वैल्यूज़ होती है जैसे मान लीजिए value का मतलब यहाँ पे कदर करना है अब एक teacher student अगर हर एक चीज की कदर करते हैं तो वो कैसे एक सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म उन लोगों को मिल सकता है कैसे वो एक प्लेटफॉर्म को अपने यूज में लगा सकते हैं राइट सो यहाँ पे बोला गया है कि वैल्यूज आर बिलीव स्टाइस इन एक्सट्रिकेबली टू ह्यूमन इमोशन एंड बिहेवियर यानी कि ये विश्वास रखते हैं और ये एक इंसान के इमोशन यानी कि उसके भावनाओं और उसके बिहेवियर यानी कि उसके व्यवहार से जुड़े होते हैं नेक्स्ट है वैल्यूज रेफर टू डिजायरेबल गोल्स पीपल स्ट्राइव टू अटेन यानी कि ये कुछ हमारे पास लक्ष्य होते हैं जिसको पाने के लिए लोग बहुत मेहनत करते हैं दैट इज कॉल्ड वैल्यूज नेक्स्ट इज वैल्यूज आर कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट फ्री कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है कोई संघर्ष किसी के साथ कुछ लड़ाई झगड़ा सो so, अगर दो लोग है, उन हैं उनमें वैल्यूज हैं कि यस हमें अपने बड़ों से कैसे बात करनी है कि यस हमें किसी पर्सन से कैसे बात करनी है हमें किसी टीचर से कैसे बात करनी है ये वैल्यूज अगर एक स्टूडेंट में और एक टीचर में है तो वहां पे कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं हो सकते इसीलिए बोला गया है कि वैल्यूज आर ऑलवेज कॉन्फ्लिक्ट फ्री यानी कि संघर्ष मुक्त होते हैं अगला बोलता है वैल्यूज आर ऑर्डर्ड बाय इंपॉर्टेंस रिलेटिव टू वन अनादर सो एक चीज एक वैल्यू अगर दूसरी वैल्यू से रिलेटेड है ठीक है तो उसको उस हिसाब से अरेंज किया जाता है एंड हर एक चीज की इंपॉर्टेंस वहां रिलेटेड होती है नेक्स्ट है वैल्यूज आर यूटिलाइज इन नॉलेज ऑफ अ पर्सन सो एक पर्सन एक इंसान का जो ज्ञान होता है उसके ज्ञान में परिवर्तन को और भी ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए और भी ज्यादा प्रभावित करने के लिए वैल्यूज एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं तो so, सभी स्टेटमेंट्स मैंने बता दी हैं अब आपको आई होप बहुत इजी हो जाएगा इसका आंसर देना कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को पॉज करें एंड फिर उसका आंसर सोचें एंड यहाँ पे आंसर फिर मैं आपको बताऊंगी तो राइट आंसर है ए बी एंड डी ओनली ए बी एंड डी हेयर इज द राइट आंसर अगला क्वेश्चन है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स वन इज एज असर्शन एंड अनदर इज रीजन सो असर्शन बोलती है इस तरह के क्वेश्चंस ना स्टूडेंट्स एग्जाम में बहुत बार आते हैं अगर आप लोग पहली बार यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों को शायद नहीं पता होगा कि असर्शन रीजन कैसा होता है तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाई है जिसमें असर्शन रीजन क्या होता है कैसे स्मार्ट ट्रिक्स हम इसको सॉल्व कर सकते हैं वो वीडियो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा तो असर्शन में बोला जाता है टीचर्स शुड एक्सेप्ट स्टूडेंट्स एज दे आर एंड एंडनेटिव लेवल दे हैव सो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इस क्वेश्चन में है लेवल अगर स्टूडेंट्स आपने ये टर्म सुनी है तो इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइए एंड अगर नहीं सुनी है तो कॉग्निटिव जो चीज होती है वो होती है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड किसी भी स्टूडेंट का दिमागी लेवल कितना है दैट इज कॉल्ड मेंटल हेल्थ और कोग्नेटिव लेवल अब आपको पता है कि हर एक स्टूडेंट का कोग्नेटिव लेवल इक्वल नहीं होता हमारे पास दो स्टूडेंट है स्टूडेंट ए मैथ्स में बहुत ही ज्यादा अच्छा है लेकिन उसको अगर हम लोग डांसिंग सिंगिंग एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में बोले तो वो बहुत मतलब तो उसमें अच्छा परफॉर्म बिल्कुल भी नहीं करता वो बिल्कुल जीरो है वही स्टूडेंट बी जो है वो मैथमेटिक्स में बहुत बेकार है उनको मैथमेटिक्स टू प्लस टू करना भी नहीं आता एंड दूसरा स्टूडेंट ऐसा है जो कि एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में हंड्रेड ऑन हंड्रेड है सिंगिंग डांसिंग हर एक चीज में ओके, okay, सो so पे ये बोला गया है कि टीचर को इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हर एक स्टूडेंट इक्वल नहीं होते हैं, वो सेम नहीं होते हैं एंड वो जैसे भी हैं उनका कॉग्निटिव यानी कि मेंटल लेवल जितना भी है हमें उनको एज इट इज एक्सेप्ट करना चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एंड उस चीज का कारण ये बताया गया है कि मोरलाइजिंग बींग जजमेंटल

तुम फ्यूचर में कुछ नहीं कर सकते इस तरह की चीजें में भी हो सकता है आप में से बहुत स्टूडेंट्स ने सुनी होंगी है ना तो so, इस तरह की जो चीजें होती हैं अगर एक टीचर ऐसा बोलते हैं तो ये एक बैरियर होता है कम्युनिकेशन के बीच में तो यहाँ पे अगर हम देखें तो स्टेटमेंट ए जो है वो बिल्कुल गलत है एंड आर जो है वो बिल्कुल ट्रू है

पहला आता है स्वयं दूसरा आता है स्वयं प्रभा एंड तीसरा टॉपिक आता है बूथ ये तीन टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि आपके यूनिट नंबर वन टीचिंग एप्टीट्यूड देन आपकी यूनिट आती है हायर एजुकेशन और एक यूनिट आती है आईसीटी ये तीनों ही यूनिट्स में ये कॉमन टॉपिक है तो इसको तो जितना डिटेल में आप पढ़ोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा ठीक है सो द वेब पोर्टल ऑफ स्वयं प्रभा इज मेंटेन्ड बाय सो इट इज मेंटेन्ड बाय इंफ्लिनेट सेंटर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट सो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि 2020 21 कि एक शिफ्ट में पूछे गए थे सो so, अगर स्टूडेंट्स आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर सीरीज पसंद आ रही है तो आप लोग हमें कमेंट कीजिए ताकि मैं 2022 के क्वेश्चंस भी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों के लिए लेकर के सो आज के लिए सिर्फ इतना ही थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो